हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हमारे पास एक ही एम्पलीफायर आया है। ये वाला देखिए, एम्पलीफायर आया है। इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम क्या है कि ये बिल्कुल ओके तो चल रहा है, पर इसमें जो स्पीकर वाली आउटपुट आती है, जो साउंड आता है, वो साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इस एम्पलीफायर को रिपेयर करते हैं। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने स्पीकर की वायर इसमें लगा रखे हैं और ये मैं बैटरी के वायर इसमें लगाता हूँ। देखिए, ये ऑन हो चुका है। ये देखिए, लाइट आ चुकी है, पर इसमें साउंड नहीं आ रहा है। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर। ऐसे आपको आराम से निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड, इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें साउंड क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, साउंड की प्रॉब्लम जब आती है, उसमें सबसे पहले हमें जो एम्पलीफायर, ये वाला ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर होते हैं, जो साउंड की प्रॉब्लम आती है, उसमें सबसे पहले हमें ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज चेक करनी होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। मीटर को 200 रेंज पर सेट किया, ये मैंने सेट कर दिया 200 रेंज पर। और चलिए इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। एक पिन हमें ग्राउंड पर लगानी है, ग्राउंड पे लगा के, और जो इसके ट्रांजिस्टर है, ये वाले मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाले ट्रांजिस्टर है जो हीट सिंक पर लगे हुए हैं, 3 पिन वाले ट्रांजिस्टर, इन पर वोल्टेज चेक करनी है। एक पिन हमें ग्राउंड पर लगानी है, ग्राउंड पे लगाकर, और दूसरी पिन लगानी है हमें जो ट्रांजिस्टर है 3 पिन वाले, उसकी बीच वाली पिन पर। ये देखिए फ्रेंड्स, कोई वोल्टेज नहीं आ रही है बीच वाले पिन पर। दूसरे वाले ट्रांजिस्टर पर लगाएंगे, उस पर भी कोई वोल्ट नहीं आ रही है। तीसरे पर लगाते हैं, उस पर भी कोई वोल्ट नहीं है। चौथे पर भी कोई वोल्ट नहीं है। जब तक हमारी यहाँ पे वोल्ट नहीं आएगी, हमारा साउंड नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं साउंड, ये वोल्टेज क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पर वोल्ट नहीं आ रही है। अब हमें क्या करना है, जो इसमें मॉस्फेट लगे हैं P55, उन पर ड्राई वोल्ट चेक करनी है, उन पर ड्राई वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए ड्राई वोल्ट चेक करते हैं। सेम इसी तरह करनी है आपको, इस तरह भी कर सकते हैं, एक पिन ग्राउंड पे लगाकर और इधर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 4 वोल्ट आनी चाहिए, ड्राई वोल्ट नहीं आ रही है, जैसे कि देखिए। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं और ऐसे भी चेक करते हैं। दोनों पिन आपको जो मॉस्फेट है, दोनों साइड में ऐसे लगानी है, बीच वाली पिन छोड़कर ऐसे भी वोल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए, कोई वोल्ट नहीं आ रही है, ना ही इस पर आ रहे हैं। हमारी इसमें ड्राई वोल्ट भी नहीं बन रही है, और जब तक ड्राई वोल्ट नहीं बनेगी, तब तक यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं आएगी ट्रांजिस्टर पे, और जब तक 24 वोल्ट नहीं आएगी, तब तक हमारा साउंड नहीं आएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं हमारी ड्राई वोल्ट क्यों नहीं आ रही है। देखिए, यहाँ पे हमारी 4 वोल्ट आनी चाहिए, नहीं आ रही है। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे आनी चाहिए 4 वोल्ट, यहाँ पे नहीं आ रही है। ये यहाँ से रेजिस्टेंस होके पास होती है वोल्टेज, यहाँ पे नहीं आ रही है। और हमारी ये जो ड्राई वाली वोल्टेज है, ये इस IC से आती है, ये IC लगी हुई है इसमें 3525, इस IC से आती है। तो चलिए, यहाँ पे ड्राई वोल्ट तो नहीं आ रही है, हम इसकी 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इस IC पे 12 वोल्ट आती है, ये देखिए यहाँ से आती है, ये 12 वोल्ट यहाँ पे ओके आ रही है हमारी। फिर यहाँ से होकर ये वोल्टेज यहाँ पे आएगी, ये 12 वोल्ट यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे एक डाउड लगा हुआ है, डाउड लगकर ये इस IC पे यहाँ पे आ जाएगी। देखिए, हमारी 12 वोल्ट बिल्कुल ओके आ रही है यहाँ पे, मतलब कि जो इसकी ड्राई वोल्ट वाली IC है, उस पर 12 वोल्ट बिल्कुल ओके आ रही है, पर इस IC से हमारी ड्राई वोल्ट नहीं निकल रही है। तो इस कंडीशन में हमारी यही IC ख़राब है, जो हमारी ड्राई वोल्ट नहीं निकल रही है, ये IC ख़राब है। तो चलिए इस IC को चेंज करके देखते हैं कि ड्राई वोल्ट आती है कि नहीं आती है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको चेंज कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या हमारा ये चलता है कि नहीं चलता है। मैं इसे बंद कर देता हूँ, चलिए फटाफट से मैं इसको चेंज करता हूँ।
इसकी हम इसकी जगह हम दूसरी आईसी लगाएंगे नई वाली। ये देखिए, ये हमारे पास एक आईसी है नई वाली, ये हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इसको लगा लेता हूँ। जब आप इसमें आईसी लगाएंगे, आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रख लेनी है, जैसे आपने आईसी निकाली है ऐसे ही सेम टू सेम लगानी है। देखिए कैसे लगानी है, ये आईसी है, इसमें यहाँ पे एक साइड में कट लगा हुआ है और इस सर्किट में भी ये यहाँ पे एक कट लगा हुआ है। देखिए ये यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, जो कट साइड की है इसी साइड से हमें इसमें लगानी है। चलिए मैं लगा लेता हूँ, ये मैंने लगा लिया है, सोल्डिंग कर लेते हैं। ये देखिए आईसी मैंने इसमें लगा ली है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसमें ड्राई वोल्ट आती है कि नहीं आती है। ये मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया है। अब हम इसमें ड्राई वोल्ट चेक करते हैं। ऐसे ही चेक करनी है हमें जैसे हमने पहले किया था, 200 रेंज पे सेट किया मीटर को डीसी पे, और चेक करते हैं। एक पिन ग्राउंड पे लगानी है, एक पिन ग्राउंड पे, और यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए वोल्टेज हमारी आ गई है, 6 वोल्ट हमारी आ रही है, जो कि ठीक है हमारी वोल्टेज। देखिए दूसरे पे चेक करते हैं, दूसरे पे भी आ रही है, बिल्कुल ओके आ रहा है। तो चलिए अब हम इसमें ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनकी वोल्टेज चेक करते हैं। 24 वोल्ट इसमें आती है, इसकी वोल्ट चेक करते हैं कि आ रही है कि नहीं आ रही है। बीच वाली पिन पर एक पिन ग्राउंड पे लगाई, एक बीच पे, देखिए ये हमारी बिल्कुल ओके आ रही है वोल्ट। ये देखिए बीच वाली पिन पर हमने चेक किया, ओहो सॉरी, बीच वाली पिन पे चेक किया, देखें हमारी आ रही है। कितनी वोल्ट आ रही है? 54 वोल्ट आ रही है फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, 54 वोल्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 30 वोल्ट आती है, 24 भी आती है, 54 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चल जाएगा हमारा। ये देखिए दूसरे ट्रांजिस्टर पर भी सही है वोल्ट आ रही है, देखिए हमारे बिल्कुल वोल्टेज ओके हो गए। तो चलिए अब हम स्पीकर लगा के इसको चेक करते हैं कि यह चलता है कि नहीं चलता है। स्पीकर तो वैसे हमने पहले से ही लगा रखा है, तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें साउंड आ रहा है, ये देखिए। ये देखिए आपको सुन रहा होगा, ये स्पीकर मैंने लगा रखा है, ये देखिए साउंड बिल्कुल ओके आ गया है, यानी ये हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।